तो हम आपसे समझ में चाहेंगे, कांग्रेस ने किसी को स्टार प्रचारक को समय नहीं दिया है और आपका भी इतना कम समय मिला है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कम समय एक्चुअली इसलिए मिला है क्योंकि जो रास्ते में रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है यहाँ पे आने के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। और मैं अभी आई हूँ रात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने अभी मैंने दर्शन किए हैं अपना ब्रह्मानंद जी के, जो कि यहाँ से विधायक भी रहे हैं और सांसद रहे हैं। सर ने मुझे उनके बारे में बताया और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये बताई है कि ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये स्कूल का, ये कॉलेज का निर्माण किया है, बच्चों के बारे में सोचा, शिक्षा के बारे में सोचा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मैडम, जैसे कि कांग्रेस इतने समय से सत्ता में नहीं है जी। अब जैसे प्रियंका जी ने नारा दिया है कि हम 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे और सबको साथ देंगे, काम करेंगे, आपको कैसे लगता है, क्या अभी वापसी होगी कांग्रेस की? देखिए, 40% आरक्षण के लिए बोला है तो उसमें से मैं जीता जाता हूँ। उदाहरण हूँ कि मैं 26 साल की लड़की हूँ और मैं इंडस्ट्री से थी, तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ के राजनीति में कदम रखा है। तो आप देखिए, 40% आरक्षण जो है वो तो कंप्लीट करा है, जो दीदी ने वादा किया है वो पूरा किया है। आपको भी पता है कि पहले दीदी राजनीति में नहीं थी और अब आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि जो बाकी की सरकार है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति देश को नहीं बचा सकती। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, धर्म की राजनीति पे आप ना जाके मुद्दे की राजनीति उठाएं, क्योंकि आज हमारे देश को ज़रूरत है रोज़गार की। कोई रोज़गार पे बात नहीं करता, कोई स्पोर्ट पे बात नहीं करता, कोई बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन पे बात नहीं करता, सब लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो ये एक तरह से गलत है, देश में ये जो मैसेज जा रहा है लोगों में ये गलत है और ये वहम डाल रखा है लोगों में कि ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, ये चीज़ें गलत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता को एक मौका देना चाहिए और अभी हमारा जो उत्तर प्रदेश का भार जो संभाला है प्रियंका दीदी ने संभाला है, प्रियंका गांधी जी ने संभाला है, तो मुझे लगता है कि इस बार चांस देना चाहिए कांग्रेस को। मैम, जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, ये सबसे लुभावना मैनिफेस्टो माना जा रहा है पिछले सब्जों की राय में, क्या इससे फर्क पड़ेगा यूपी में? देखिए, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैनिफेस्टो में लिखा है कि 3 सिलेंडर, देखिए सिलेंडर की बहुत हर गरीब को बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैं भी गाँवों में गई हूँ, तो सिलेंडर उन्होंने ना एक मतलब लाइक आंगन में रखे हुए हैं और चूल्हे में खाना बन रहा है। तो जब हमारी सरकार बोलती है कि भारत को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, कहाँ का विकास है ये? जब आप सिलेंडर ही बंद हो गए, आंगन में पड़ा है खाली, तो आप क्या विकास कर रहे हो? रोजगार ही आप नहीं दे रहे हो तो क्या विकास कर रहे हो? आप तो सिर्फ मंदिर पे बात करते हो, भगवानों पे बात करते हो, थोड़ा साइड में रख के भगवान को तब मुद्दों की बात करें, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।